जुर्म की दुनिया में 15 साल तक आतंक का पर्याय रहे जगन गुर्जर ने साल 1994 में गुनाह की दुनिया में कदम रखा था। चंबल के बेहड़ों में जगन ने खुद की गैंग बनाई, जिसमें उसकी पत्नी ममता गुर्जर और उसके चार भाई भी शामिल हुए। उस वक्त भी जगन गुर्जर के नाम की तूती बोलती थी और डर के मारे वहां के लोग शादियां नहीं करते थे। आतंक के पर्याय बने कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने 9 साल पहले अपनी बेटी की शादी करते समय कसम खाई थी कि अब वो जुर्म की दुनिया छोड़ देगा। इससे पहले वो 3 बार आत्मसमर्पण भी कर चुका है, लेकिन उसने हर बार वापस जुर्म की राह पकड़ ली। सबसे पहले जगन गुर्जर ने 19 अगस्त 2018 को बयाना में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर 30 जनवरी 2009 को कैम्ब्रिगांव के जगन्नाथ मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया। साल 2001 में तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने सरेंडर किया। उसके बाद 2010 में बेटी के हाथ पीले करने के लिए जेल से लाए गए जगन ने अपराध की दुनिया छोड़ने की कसम खाई थी। चंबल घाटी में आतंक का पर्याय रहे 11 लाख रुपए के इनामी दस्यु जगन गुर्जर 16 मार्च 2017 को जेल से छूट गया था। इसके बाद दस्यु जगन गुर्जर ने तीसरी बार हथियार उठाकर चंबल के बेहड़ का रुख कर लिया था। साल 2018 में धौलपुर में हुए उपचुनाव में एक बार फिर जगन सुर्खियों में आ गया था। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन भरने के बाद पूर्व डकैत जगन गुर्जर भी उपचुनाव में कूद पड़ा। डकैत जगन ने अपनी पत्नी ममता का नामांकन भरवाया। ये हॉट सीट मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी। डकैत जगन गुर्जर के जरायम की दुनिया में कदम रखने की अपनी पहचान है, कदम रखने की अपनी कहानी है। डकैत जगन गुर्जर का कहना है कि उसके जीजाजी की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जगन गुर्जर का दावा है कि पुलिस ने झूठे केस लगाना, इनाम घोषित करना शुरू कर दिया और इसीलिए वो दोबारा डकैत बन गया। जबकि हकीकत यह है कि डकैत जगन गुर्जर पर हत्या, चौथ वसूली, पुलिस पर फायरिंग सहित 70 से ज्यादा के संगीन अपराध के आरोप हैं। आप डकैत क्यों बने? आपके जीजा मार दिए थे किसने? अच्छा, करीब कितने साल पहले? 99। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप डकैत बन गए। एक बार आप हाजिर भी हो गए थे शायद। हाँ। फिर दोबारा फिर क्यों बने डकैत? दोबारा मैं ट्रैक्टर लगा के थाने में रखे, बाबू नए नए ऑफिसर के, एक दो महीने चलाया अपने नाम केस लगा के चालू कर दो, झूठी लगाई गया तरीका करता हूँ ट्रैक्टर रखे में थाने में। अच्छा, पुलिस ने झूठा केस लगा दिया। हाँ, उसे ट्रैक्टर है उस पर पूरी तरह रखा, बस गाड़ी को दबा ली। जैसे बताया जाता है कि आप पे करीब 2 दर्जन हत्याओं के मुकदमे और सहित कुल 70 मुकदमे हैं, तो इसमें ये क्या हत्याएं आपने की हैं 2 दर्जन लोगों की? ये तो झूठी लगाई। कितनी हत्याएं हुई होंगी आपसे? वो तो पहले वो बदलेंगे तो सही हो। अच्छा, जगन मूल रूप से बसई डांग के भवूतीपुरा का निवासी है। दुश्मनी की वजह से 2010 में परिवार गांव छोड़कर कंचनपुर थाना इलाके के धौसपुर गांव में रहने लगा। गुर्जर आंदोलन के दौरान सीएम वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देने के बाद ये और ज्यादा चर्चा में आया। बहरहाल जुर्म की दुनिया में एक बार फिर आतंक मचाकर जगन ने दहशत पैदा कर दी है। पुलिस अब डकैत जगन को मार गिराने के लिए पूरी तरह से जाल बिछा रही है। उम्मीद है आतंक का पर्याय बने जगन का खात्मा जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।